आगे बढ़ते हैं। यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में अनुराग ठाकुर का संबोधन। केंद्रीय मंत्री ने सभी युवा प्रतिभागियों और विजेताओं को इस दौरान बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प को साकार कर रहा है देश का युवा। देश को विकासशील से विकसित भारत की ओर युवा वर्ग ले जा रहा है। देश के युवाओं में अपार क्षमता और जबरदस्त टैलेंट है। युवाओं पर देश को अमृतकाल से स्वर्णिम काल में ले जाने का दायित्व भी है और ये बात उन्होंने कही। साथ ही ठाकुर ने अमृतकाल के 5 प्रणों को युवाओं के लिए जीवन का सिद्धांत बताया। कहा कि अमृतकाल के ये 5 प्रण युवाओं को न सिर्फ अपनाने चाहिए बल्कि सबको अपनाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। मध्य प्रदेश को मिला 53वां जिला। मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इसकी घोषणा की। रीवा से अलग होकर नया जिला बना है मऊगंज। 3 तहसील मिलाकर मऊगंज को नया जिला बनाया गया है। मऊगंज में हनुमाना, नई गढ़ी, मऊगंज और देवतालाब तहसील होगी। जिले में मऊगंज और देवतालाब विधानसभा सीटें भी होगी। तो नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिली है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान किया है। कहा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दी है। पीएम मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सफलता हासिल हुई है। ये सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। ये भी कहा कि अब एक बैग डीएपी भी एक बोतल डीएपी के रूप में मिल पाएगी और इससे किसानों को फायदा भी होगा। रायसीना डायलॉग में यूक्रेन युद्ध पर नेवी चीफ का संबोधन। जहां भी कोई तकनीक आती है उसे काउंटर भी किया जाता है। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हम यूक्रेन की लड़ाई के दौरान देख चुके हैं कि जब भी कोई नई तकनीक आई उसका जवाब भी दिया गया। मैरीटाइम डोमेन में चुनौतियां परंपरागत या फिर गैर परंपरागत नहीं होती। कोई भी परेशानी सबके लिए परेशानी होती है। जब हम छोटे समुद्रों में काम करते हैं तो उससे उद्देश्य की पूर्ति होती है। इससे सहयोगी देशों के बीच विश्वास भी बढ़ता है। भारत ऐसा देश है जो सभी देशों की समृद्धि को बढ़ावा देना चाहता है। सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे का बयान। निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाना है हिंडनबर्ग का काम। सालवे ने हिंडनबर्ग सर्च रिपोर्ट की जांच की मांग की है। टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की गहन जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग कोई चैरिटी या फिर मदद करने वाली संस्थान नहीं है। सालवे ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति को उन सभी का पता लगाना चाहिए जिन्होंने शेयर्स की कीमतों को कम करके खूब धन कमाया। बिल गेट्स ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने जमकर इस दौरान भारत की तारीफ भी की। स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, भारत की G20 अध्यक्षता और कई अन्य जरूरी मुद्दों पर बातचीत हुई और इस मीटिंग के बाद आधिकारिक ब्लॉग पेज गेट नोट्स पर बिल गेट्स ने कहा कि भारत के कोरोना महामारी के दौरान सस्ते और सुरक्षित टीकों का निर्माण भारत ने किया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाने में भारत ने मदद की। जापान के पीएम फुमियो किशिदा का भारत दौरा संभव है। 19 मार्च से भारत के दौरे पर आ सकते हैं फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा और पीएम मोदी के इस दौरान मुलाकात होगी अगर वो भारत पहुंचते हैं तो, और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी संभव है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो वहीं जापान इस बार G7 को होस्ट करने वाला है। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया प्रदेश के दौरे पर हैं। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार जयपुर आए हैं कटारिया और जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर अच्छा काम करूंगा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले कटारिया, ये सरकार का काम है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर होली का त्यौहार मनाने आया हूँ। आज जयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और कल से 8 मार्च तक उदयपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर CGI DY चंद्रचूड़ का बयान। कहा, झूठी खबरों के दौर में सत्य पीड़ित और अशक्त हो सकता है और आज लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी भी नजर आती है। विचारों से असहमति पर ट्रोल होने का खतरा है। हम इस समय ऐसे युग में हैं जहां सब्र और सहिष्णुता की कमी है। सोशल मीडिया के दौर में बीज कुछ और अंकुरण कुछ और होता है। कोरोना काल में भी कोर्ट पूरी क्षमता से सुनवाई करते रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत कोर्ट
चलते रहे। 60 दशक में बदलाव आया है, खुलापन बढ़ा है, सीमाएं भी खुल गई है और हमारा संविधान लोकल और ग्लोबल का अद्भुत तालमेल बन गया है। कोरोना ने डिजिटल मार्केट प्लेस और नए आइडियाज भी विकसित किए। नारी शक्ति का नया मैदान विमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL की शुरुआत आज से, और देश में पहली बार महिला T20 क्रिकेट लीग आयोजित हो रही है DY पाटिल स्टेडियम में। आज उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। 2008 में शुरू हुए IPL ने भारतीय क्रिकेट में कई बड़े बदलाव किए। अब WPL भी इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टूर्नामेंट में 5 टीमें मुंबई से खेलेंगी। सभी 22 मुकाबले चैंपियन बनने वाली टीम को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। गुजरात ज्वाइंट्स और मुंबई इंडियंस पहला मुकाबला खेलेगी और शाम 7:30 बजे से महिला क्रिकेट का ये रोमांच देखा जा सकता है। फॉक्सकॉन बेंगलुरु में लाएगी नया प्लांट। 5,740 करोड़ के निवेश से नया प्लांट लगाया जा रहा है और प्लांट लगाने से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। कई प्रमुख ग्लोबल कंपनियां चीन से शिफ्ट हो रही है। इस समय चीन के झिंगझो शहर में फॉक्सकॉन का प्लांट है और इस प्लांट में करीब 2 लाख लोग काम करते हैं। अब बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास 300 एकड़ में प्लांट की योजना है। एप्पल के लिए आईफोन भी बनाती है ताइवान की यही कंपनी फॉक्सकॉन। तो होली पर राहत के रंग भी नजर आएंगे। महंगाई के मोर्चे पर होली से पहले राहत की खबर है। मैदा, सूजी और रवी के दाम में एक महीने में 10 से 14% तक गिरावट हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि गेहूं के दाम में 2,200 रुपए तक प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी। जनवरी के मध्य में 3200 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे गेहूं के दाम, लेकिन इसमें अभी बढ़ोतरी नहीं बल्कि गिरावट 2,200 रुपए तक क्विंटल तक पहुंचे हैं। केंद्र ने ओपन मार्केट स्कीम के तहत 50 लाख टन गेहूं बाजार में इस बार उतारा है। सिविल लाइन्स आरओबी का काम जल्द होगा शुरू। 6 महीने से बंद पड़ा है आरओबी का काम, लेकिन अप्रैल से एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। काम अधूरा छोड़ने वाली कंपनी को JDA ने डिबार कर दिया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टेंडर भी जारी हो गया है और अधूरा छोड़ने वाली कंपनी ने केवल 9% ही इसके लिए काम किया। नए टेंडर के बाद अक्टूबर 2024 तक अब इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।